अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, कैरियर होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखा रही हूँ। आज हमारी रेसिपी का नाम है चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल दिया और उसमें पीनट प्याज डाल दी और गरम मसाला, साबुत गरम मसाला डाल दिया और उसमें प्याज को सॉफ्ट कर देंगे। प्याज हमारी तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी है, 2 से 3 मिनट लगे हैं। अब हम इसमें 1 किलो चिकन शामिल कर देंगे। 1 किलो चिकन मैंने ले लिया और ये शामिल करेंगे। और इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। चिकन का कलर तकरीबन चेंज हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया था। 2 से 3 अदर टमाटर लिए थे और 5 से 6 अदर हरी मिर्चें ली थी और इनको मिक्स करके इनका पेस्ट बना दिया था। ये शामिल करेंगे और इसके साथ थोड़ी देर पकाएंगे इसको। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 से 3 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया, वो शामिल करेंगे और इसकी खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको अदरक बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या किया। अदरक लहसुन की खुशबू आने से रोक दी है। अब हम बाकी के मसाले यूज़ करेंगे। इसमें मैंने 2 चम्मच जो है नाइट मिल का बिरयानी मसाला ले लिया, 2 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, हसबाई का नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये सारी चीज़ें डालेंगे इसमें। और इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा ताकि ये मसाले गले ना। और इसमें तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको भून देंगे बहुत अच्छी तरह से। इसके बाद अदरक लहसुन बनाती बताती हूँ, जब तक मैं ये भून लूँ फिर आपको बताती हूँ। मसाला हमारा तकरीबन भून चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मसाला जो है हमारा भून चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ऑयल ऊपर आ चुका है, भुनने की यह निशानी है कि ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे हंसके ज़रूरत। मैं इतना इस पानी ऐड करूँगी और बॉयल आने तक वेट करूँगी। पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें चावलों को ऐड करेंगे। 1 किलो चावल मैंने लिए थे और इसको 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैं इसमें ऐड करके फिर आपको दिखाऊंगी। चावलों को मैंने इसमें डाल दिया है और अब पानी खुश होने तक वेट करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे पानी खुश होने में, तब तक वेट करेंगे। 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने पानी डाला था वो कुछ खोल गया है। अब हम इसमें लास्ट में जो है फूड कलर डालेंगे इसके ऊपर। और इसको थोड़ी देर दम के लिए छोड़ देंगे, 5 से 7 मिनट हल्की आंच पे इसको दम देंगे। उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल दिखाती हूँ। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और हमारे चावलों को दम आ चुके हैं। अब मैं आपको इसमें चम्मच चला के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है। आप बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ आप लोगों की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।